और यहाँ अथा अभी देखा नहीं तुम बात दिन को अथा दूर अथा संख्या ने मंदिर बनवा मंदिर में लागत लागेगी और मिलाओगो और मंदिर में मंदिर शंकर का मंदिर के लिए खाली शंकर का मंदिर के लिए 11 लाख रुपए माधीन पणियार की तरफ से 11 लाख रुपए माधीन पणियार की तरफ से 11 लाख रुपए बोलिए शंकर भगवान की। अब ऐसे बत्ती और क्या चाहो बोल अब तो कौन रूस है हका भी रूस है गया ये ताली बजा करके सम्मान करेंगे जो हमारे बीच में माता दीन जी नेता माता दीन जी पणिया जो इस समय इस कलयुग को भगाने के लिए माता दीन जी प्रधान संकल्प ले रखा है कि मेरे इलाके में जहां भी कोई बंदर हो जहां भी कोई गौशाला हो जो मेरे से बन पाएगा मैं सेवा करूंगा लेकिन हमारे गांव में हमारे डेर में हमारी तहसील हमारे जिला में पाप नहीं होना चाहिए धर्म होना चाहिए। तो ये ताली बजा करके सम्मान करेंगे माता दीन जी पणियार की तरफ से भक्तों 51,000 रुपए और 200 लोई संतों के लिए 200 लोई संतों के लिए एक लोई की कीमत है 565 रुपए एक लोई की कीमत 565 रुपए वो लोई दिए संतों को 1100 रुपए भजन पार्टी को और 500 रुपए नाचने वाले कलाकार को ताली बजा करके सम्मान करेंगे और 51,000 रुपए मंदिर में बोले श्री देव नारायण भगवान की। और ये माधीन जी प्रधान माधीन जी नेता अगर देख हो तो यहाँ कहना दो शब्द बुलवा दूं के एक बार ताली बजाओ तो जोरदार थे कया को ना बजाओ हैं थारो स्टाम मारो कौन से थे नहीं हुआ जी तो मैं कह जाता और मैं नहीं हुआ तदन थे कह जाती दोनों पालड़ा बरोबर से ताली थाने भी बजानी चाहिए ठीक से ना मां बस तो फिर अरे मारी रानी की तो खुश हो रही से हाँ ये ले हाँ अब माधीन जी आपके बीच में दो शब्द कहने के लिए आ रहे हैं भाई शांति से बैठ जाओ या छोटी मोटी स्थिति कौन से या छोटी मोटी स्थिति मत मानियो ये वो स्थिति अपने इलाके के अंदर और जो ये है ना ये बैठी दो न्या के मान ले दो जेली दो गई टूट अब नहीं बनवानी पड़ रही जान अब तो सही सही जी ना कमजोर यह भी कौन है तुम दोनों बरोबर पालड़ा से दूसरी बात कौन सी कि पैसे से कोई मतलब नहीं होता माधीन जी एक आदमी का आचार और विचार भाव सबसे बड़ा तो तुम्हारे दोनों के अंदर भाव है चाहे छोटो संत बुलाओ चाहे बड़ो संत बुलाओ चाहे छोटो आदमी फोन करे थे फोन ने भी ठाओ जो और उनकी सहायता में मैं तो उसी दानवीर को मानता हूँ जो गरीब को साथ देता है उस दानवीर को नहीं मानता जो गरीब ठाडा के मुंह में ठाडा से व्यवहार करे और ठाडा मंदिर में पैसा दे और गरीब मंदिर में पैसा ना दे मैं तो उन दानदाता नहीं मानता हूँ मैं तो दान का भामाशाह उसी मानता हूँ जो गरीब मंदिर की सहायता करे और गरीब संत के साथ रहे गरीब व्यक्ति के सहारो लगाओ उसी को दानवीर माना जाता है। तो हमारे रामकृष्ण जी जाजोदिया साहब ने बस्सी के अंदर कम से कम भी गरीब सहायता के अंदर 10 लाख रुपए खर्च किया है 10 लाख रुपए थोड़ा खर्चा नहीं है 10 लाख रुपए कोई आग्निमा कौन लू मैं और हमारे जो माधीन जी हैं इनकी तो बात ही क्या है तो कुबेर को खजानों से तो हाथ दे चर भगवान था कतराए काट लिया उसे वह खजानों मैंने भी दे दिन थोड़ा सा दिन पास दे दूं उल्टो ही बहुत बहुत धन्यवाद मासी जी आज इस दंडोड़ा धाम इस बालाजी का इस धाम और इस मदनदास जी महाराज ने इस मंदिर को
इतना प्रचलित किया, इतना राजस्थान में भी आज इनकी मैं देखता हूं कई बार यूट्यूबर वगैरह इनके यहाँ पूरी चीजें दिखाते हैं पहाड़ों के ऊपर। काफी जब हरियाणा की तरफ जाते हैं कोटपुतली भैरो और बालसुर जब भी जहां जाते हैं तो दंदोड़ा धाम के नाम से खोरी प्रसिद्ध हुई है। और इस महाराज ने जब हम पढ़ते थे छोटे छोटे, मैं जो तभी यहाँ आया था और एक बार बीच में और आके गया था, कोई मेरे एक साथी को लेके आए थे यहाँ दर्शन करवाने के लिए। ये कदम का जो आज सभी जगह हम घूम रहे हैं, परंतु कदम के जो पेड़ हैं वो ये दंदोड़ा धाम में ही है और दंदोड़ा धाम एक कदम के नाम से ही प्रसिद्ध है। इस महाराज के आशीर्वाद से और बालाजी के आशीर्वाद से हम सब संत साधु से आशीर्वाद लेते रहते हैं। 25 साल होगी मार्केट से घर 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 घूम के हम भी देखे और सर्वे भी करके देखा हमने कि जितने साधु संतों में दया भाव का है उसी तरीके से हमने भी एक निर्णय लिया कि मैं भी एक ऐसा काम करूं जिससे कि मेरा परिवार और मेरे माता पिता जो अच्छे कर्म किए और कर्म करके मेरे को जन्म दिया और उस बस्ती में जन्म दिया, छोटी सी बस्ती थी जिसका नाम छांटका गांव रखा गया और उस छांटका में हम जन्म लिए। जन्म लेने के बाद में हम बाहर निकलकर देखे तो दुनिया को देखने से पता चला कि धर्म दान क्या चीज होती है। आज दान धर्म करते करते 25 साल से लगातार मैं बालाजी का आशीर्वाद लेता रहा और बालाजी का पीछा मैंने नहीं छोड़ा। कोरोना जैसी महामारी में भी बालाजी के मैं जाता रहा। एसडीएम साहब से भी परमिशन लेके मैंने एक साहब ऐसा काम करो कि मैं बालाजी के मेहंदीपुर जा सकता हूँ या सालासर जा सकता हूँ, तो उन्होंने बोला कि मैं परमिशन दे दूंगा, एक सिलेंडर डाल ले जाना और बता देना कि बालाजी सीरियस पोजिशन पे है तो उनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। वहां गया मनोहरलाल जी ऐसा मेरे को गाड़ी को रोक ली, भाई साहब क्या है भाई बालाजी के, बोले पट बंद है आप कहां जाओगे, कोई दर्शन नहीं हो रहे। मैं उसके सामने जाऊं, मेरी जितनी भी इस 20 से 22 साल में जो मैं घूम घूम के दुनिया को देखी है वो फाइल मैं पेश करूंगा और एक मैं बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं और केवल केवल एक दान धर्म के नाम पर काम करने जा रहा हूं। उसी दिन में बालाजी के सामने प्रण लिया अगे महाराज जी मैं 101 मंदिर बनाऊंगा और जो मेरे दादाजी मेरे अच्छे कर्म किए इस क्षेत्र में उनका नाम था, अच्छे कर्म किए ईमानदारी और सच्चाई से जी के आज पूरे परिवार का पालन पोषण किया और एक छोटे से गरीब परिवार में हमारे जैसे उसने गाइडलाइन देके गया तो मैंने उनका भी प्रण लिया 101 मूर्तियां भी उनके साथ पधरा। आज 17 मंदिर बनाकर तैयार कर चुका हूं और 17 मंदिर के अलावा हर जहां भी यही नहीं है खोरी ओलावास गिरुड़ी यही नहीं है बांसुर तहसील के बजाय अदर तहसीलों में भी मैं डेली 1 करोड़ रुपए का लक्ष्य ले रखा था, 56.5 लाख दे चुका, अभी 50,000 रुपए दिए तो 57 लाख रुपए भी इस महीने में खर्च किए। 31 अगस्त तक मेरा लक्ष्य था कि 1 करोड़ रुपए में दान के रूप में दू जो मंदिर बना रहा हूं उसके अलावा मैं कहीं मान धर्म कर्म में पैसा खर्च करके आऊ, क्योंकि महाराज ने मेरे को ऐसा आशीर्वाद दिया। आज महाशिव जी इस 2 साल के पीरियड में पूरे राजस्थान में आप उठा के देखना, मीडिया टीवी चैनलों को उठा के देखना, एक एमआरडीएस ग्रुप जो जयपुर के अंदर 3रे नंबर पे काम कर रहा है आजकल, मेरे से बहुत पहले लोगों ने काम कर रहे थे वहां प्रॉपर्टी का, फ्लैट विला बना रहे थे, प्लॉटिंग कर रहे थे, मार्केट काट रहे थे, फार्म हाउस काट रहे थे, परंतु हमने इस 2 साल के अंदर जो काम किया उस काम का जो टर्नओवर हुआ जिसको गवर्नमेंट को मैं जो टैक्स दे रहा हूं वो 900 करोड़ का टर्नओवर का टैक्स दे रहा हूं। और आम आदमी के विश्वास नहीं आ रहा, जयपुर के अधिकारी राजनीतिक लोग मेरे से आकर संपर्क करते हैं, भाई साहब ये पैसा कहां से लाए थे, ये पैसा कोई मंत्री का होगा या ऊपर कोई अधिकारियों का होगा या कोई 2 नंबर का पैसा होगा, मेरे को पता नहीं पैसा कहां से आया। मैंने अपना एक ऑफिस खोल के बैठा था और उस ऑफिस में लोगों से संपर्क साधा कि मैं प्रॉपर्टी का काम चालू कर दिया है और लोग मेरे पास ऑटोमेटिक आते रहे और आज मेरे पास जो सेल्समैन जो कार्यकर्ता प्रॉपर्टी बेचने वाले वो लगभग 16,500 आदमी काम कर रहे हैं।
7000 कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और 198 गाड़ी मैंने गिफ्ट में दिए उन गरीब लोगों को दिए जिनकी कभी जिंदगी में सोच नहीं सकते कि मेरे पास साइकिल भी होगी। जो हमारा उन गरीब लोगों को दिया मैंने 198 गाड़ी और 100 गाड़ी अभी इसी गणेश चतुर्थी तक 100 गाड़ी फिर गिफ्ट में देने जा रहा हूं और 27 किलो सोना उन परिवारों में भेजा है जिनके गरीब परिवार हैं, जिनकी बेटियों की शादियां हैं, जिनसे मालिन गहनों गोटी की व्यवस्था नहीं बैठ पा रही, उन परिवारों में 27 किलो सोना गिफ्ट में दिया। आज भी मैं जितना धर्म पे देता हूं उतना मेरे पास 10 गुना पैसा आता है। आज यहाँ खड़ा हुआ हूं मैं, अभी यहाँ बैठे बैठे इस बालाजी का इतना आशीर्वाद है कि आज मेरी 10 प्रॉपर्टी बिकेंगी। जितना मैं धर्म कर रहा हूं ना उससे ज्यादा मेरा वहां मालूम काम चल रहा है। बालाजी मेहंदीपुर में पूरा बालाजी की तरफा हुआ, काफी संघर्ष विरोध झेलना पड़ा, पर बालाजी ने मेरे को पूरे बालाजी के आसपास के क्षेत्र के जितने लोग प्रॉपर्टी बेच रहे थे उतना मैं अकेला बेचूं। और वहां हर महीने हर बुधवार को मैं भंडारा करता हूं, 3 से 4 हजार लोगों का मैं भंडारा रेगुलर जारी रखता हूं और हर संडे को खाटू श्याम जी में और शनिवार को त्रिवेणी धाम के पास में मेरा बिशनगढ़ रोड के ऊपर फार्म हाउस है, वहां मैंने एक बालाजी का मंदिर का निर्माण कर रखा है, शिव परिवार की स्थापना कर रखी है, तो वहां मान लो वहां भी भंडारा मैं रेगुलर चालू रखता हूं। कोई भी मेरे क्षेत्र का या बाहर क्षेत्र का कभी भी खाटू श्याम जाएं तो खाटू श्याम से 4 किलोमीटर पहले मेरा ऑफिस है एमआरडीएस के नाम से, किसी को भी पूछ ले वहां भी ये काम चलता है, भंडारे जहां भी प्रोग्राम हो रहे हैं उस प्रोग्राम में जो भी मेरे से सहयोग होता है सब जानते हैं। 500 के पास खोरी गांव का है क्योंकि बाहर खोरी से ज्यादा जानते हैं मेरे को, क्योंकि बानसूर क्षेत्र का एक खोरी गांव का है, हमारे क्षेत्र में लोगों की सोच और चेंज हो रही है, उन लोगों की ये दिमाग मारा है कहीं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा होगा। राजनीतिक मन चल चुके, राजनीति में कहां कहां करूंगा, 7 स्टेटों में 101 प्रोजेक्ट चालू रहे मेरे, आज 101 प्रोजेक्टों में केवल बालाजी का आशीर्वाद है और बालाजी ने जो मेरे को दिया आज वो आप सब लोगों के, इन माता पिताओं के, इन माता बहनों के, इन बुजुर्गों की जो आशीर्वाद रहा ये मेरे को आशीर्वाद देते रहे, मैं धीरे 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 आगे चलता रहा, कहीं गलती की भी मैंने तो ये लोग मेरे को थोड़ा सा रोका टोकी भी की और फिर मेरे को वापसी इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से वही दिशा और दशा मेरी आज चेंज करके आपके बीच में इन मेरे परिवार के बीच में आज फिर खड़ा हुआ हूं। कहीं भी धर्म के नाम पे, ये नहीं कि केवल खोरी के अंदर, धर्म के नाम पे राजस्थान क्या हिंदुस्तान में कहीं भी पैसा खर्च करवा लीजिए, धर्म के नाम पर कहीं भी कोई मंदिर में दान दक्षिणा जो भी मेरे अनुसार शक्ति अनुसार हर क्षेत्र में मेरे पास अगर एक फोन भी कर दोगे तो मैं जरूर पूछूंगा। धर्म के नाम पे मैं डेली रोजाना 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहा हूं, अभी तक आज तारीख लगभग 18 तारीख हो चुकी है, 17 तारीख में मासी जी 57 लाख खर्च हुआ, 57 लाख रुपए खर्चा हुआ है, करना कितना 1 करोड़ रुपया और 1 करोड़ रुपए मैंने पहले ला के रख दिए थे, ये साइड में रखने की, ये केवल मैं मंदिरों में दान दक्षिणा में दूंगा और फिर अगले महीने फिर 1 करोड़ दूंगा। लगातार इस बालाजी का आशीर्वाद रहा तो मैं 1 साल तक 1-1 करोड़ रुपया कहीं भी मेरे से खर्च करवा लेना, पूरे क्षेत्र में जहां भी प्रोग्राम हो, कहीं भी छोटा मोटा प्रोग्राम हो चाहे बड़ा प्रोग्राम हो, कहीं भी सार्वजनिक प्रोग्राम हो, पर्सनल विशेष के कहीं में कोई कुछ भी नहीं कर पाऊं, किसी को हाथ उधारे नगद में ना दे पाऊं, परंतु धर्म के नाम पे कहीं भी मेरे को बुला लेना, कभी भी मेरे पास फोन करना, अगर मैं नहीं भी पूछूंगा तो मेरे परिवार का कोई भी पनियार परिवार से, इसी छाठ का गांव से मेरे पिताजी 5 भाई है तो 5 भाइयों के परिवार में से कोई भी एक भाई पहुंच जाएगा आपके पास और जो भी हमारे से सहयोग हो हम सहयोग करेंगे।
अभी अगले महीने हम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे दादाजी मोठूराम पटेल की हम छांटिया गांव में एक मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, जिसमें हम मासी जी को भी इनवाइट कर रखा है, 5-7 पार्टियां जो भी होंगी उनका सबका हम प्रोग्राम करवाएंगे, और लगभग लगभग 50,000 आदमियों का हमारे घर के ऊपर, हमारे दरबार पे। और मेरे दादाजी 28 साल पहले स्वर्गवास में गए थे, और 28 साल के बाद उन फिर छांटिया गांव में दोबारा उनको मैं स्वागत फिर उसी बस्ती के अंदर उसकी स्थापना कर। और मासी जी आपसे भी निवेदन है कि जहां भी अगर कोई प्रोग्राम और दान धर्म की कहीं भी आवश्यकता पड़े, कोई भी आपके पास फंक्शन आ रहा है, कोई भी प्रोग्राम आ रहा है, तो जहां भी मेरी जरूरत पड़े तो मेरे नंबर आप ले जाइए, और किसी को भी बोलिए कि भाई जैसी मेरी शक्ति होगी वैसे मैं वहां पहुंचूंगा, कहीं भी प्रोग्राम हो। ये नहीं है कि भाई यही रात को ग्वाला से फोन आया साहब हमारे प्रोग्राम है, जरूर पूछेंगे, बिल्कुल पूछूंगा। आज जीण माता के थोड़ा सा औरले साइड में एक प्रोग्राम चल रहा है, मैं नहीं पूछ पाया क्योंकि बस्ती में आना जरूरी था, तो भी मैंने वहां भी 51,000 रुपए देके भेजे भाई 51,000 जब चले जाएंगे जब मैं 57.5 लाख की गिनती कर दूंगा। वो अभी 51,000 रुपए लिए नहीं है, दिए नहीं है दान में, जब दान हमारी जेब से निकल के उनके हाथ में चला जाता वो काउंट करते हैं। मासी जी हमारा लक्ष्य है कि 1 साल तक 1-1 करोड़ रुपए खर्च करने का, 11 करोड़ रुपए हम खर्च करने का लक्ष्य ले रखा है, और 11 करोड़ रुपए इस दान दक्षिणा में और मंदिरों में दान देंगे। जो 101 मंदिर बनाएंगे वो हमारी इच्छा से, अभी मेहंदीपुर बालाजी में एक श्याम बाबा का मंदिर बनाया, वहां किरोड़ीलाल जी मीणा जी वहां के टोडा भीम विधायक साहब वो सारे आके बोले भाई साहब कहीं यहाँ सीट चेंज हो रही तो चुनाव लड़ने का मकसद होगा। मैंने उनको एक ही वादा किया, मैं कोई मेरा कोई चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं है, ये श्याम बाबा का मंदिर गांव की इच्छा के अनुसार गांव वाले मेरे को आके बोले इसलिए मैंने बनाया। मैंने 50 लाख रुपए उस कमेटी को दिया है और जमीन भी मैंने दी है वहां 3100 गज लगभग 1 बीघा जमीन में मंदिर के लिए दान की, वहां जिसका जमीन मैंने खरीदी है वहां प्लॉटिंग के लिए 1,21,00,000 रुपए बीघा, 1 बीघा जमीन और मंदिर का पूरा निर्माण वो मैंने वहां कर पाया। और यहां भी अगर कहीं आस पास अगर कोई मंदिर का कोई निर्माण हो तो जरूर मेरे को इनवाइट करें, और आज इस पूरी बस्ती और ये सारे मेरे माता बहने और जो भाई बुजुर्ग जो लोग हैं इनका मेरा मिलने जुलने का दर्शन करने का और एक महाराज जी के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए मैं आज पधारा, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, राम राम। भोले मदन दास जी महाराज की, गोले गुपत दास महाराज की। देखो भक्तों, आपके बीच में जो व्यक्ति आपके मुंह से कह रहा है उसमें राई मात्र फर्क नहीं है, क्योंकि मैंने तो चारों दिशा में आदमी जानते हैं, और मैंने बद्दी पर बालाजी के अंदर एक धर्म का भाई बन रहा है, जाट है, जो आज फिलहाल वो तहसीलदार से रिटायरमेंट हुआ है, उनसे फोन करके पूछा कि यार ये बात यहाँ का प्रोग्राम आयोजन ये बोलिया मेरे हाउस को ना, मैं तो साफ है भगवान आदमी से अगर देखो भाई कह रहा था सात सर कह रहा था, मैं उसे फोन कर बोझे बोले भाई साहब उसका तो नाम है मादीन जी पनियार का, तो यहाँ मुख्य बात बोलो हर बुधवार ने तो 2-4-5 हजार आदमी तो खानो खाई से, और आज को ना कहूँ तो 4-5 साल होगी मुझे यार, मैं तो यही बूझ बुझाओ जो। तो इसी प्रकार से मादीन जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप धन्यवाद के पात्र हैं। खाटू श्याम में जो भंडारा चलता है इनका हर द्वितवार को जिसकी लागत है कम से कम भी 6-7 लाख रुपए की, लेकिन है कुंजार देकर भंडारों को कर दिया जी, खाली फोन आए और पैसा डाल दिया, किसो खत्म। ऊंडे भी मेहंदी पर बालाजी के तो शनिवार को दिन टल जाए तो द्वितवार को टले, द्वितवार टल जाए तो शनिवार को टले, क्योंकि देनी उसी की इनको, तो वहां जाते हैं रोक लगाते हैं। उनसे भी इंक्वायरी की तो उन्होंने भी कहा कि मासी जी आज तक कोई बात की ओलमो को ना हो, जो जनता चाहो कि या भोजन बने तो वही भोजन ले, या भी को ना कि यही भंडारो चलो वह भोजन बना वो चाहवा वही ही भंडारो ले, हर भंडारा ने चेंज कर दो रेजे। इस प्रकार से ताली बजा करके सम्मान करेंगे, और मादीन जी या मदन दास महाराज से या से बिल्कुल गरीब संत या गरीब संत बताऊं था कहीं को से पर्चा तो तगड़ा दे या तो मैं भी पजोख लियो पर्चो तो यहाँ को दे अके बूझो ही मना आमदा नाक दे दे चाहो तो पांगा नु पग दे दे अरे भाई बांझड़ी नु टाबर दे दे जे कोई मदन दास नु माने तो अरे ना कह दे मदनियो से जनास लेना देना किन भी
विश्वास ही तो बड़ी चीज हो जाए। तो आई बाबा का मंदिर के मायने एक छोटी सी कमी है, जो कमी की बात खेबा की जरूरत को ना, माता दीन जी पणियार की तरफ से भक्तो एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि मैंने मेरी आंखों से देखे और काना से सुन ले वह सच्चाई होती है। माता दीन जी पणियार की तरफ से ग्राम छाटका में नहीं कोई विधायक है, नहीं कोई सरपंच है और नहीं कोई वार्ड पंच है, फिर भी उन्होंने अपने खेत में बोर कटवा करके और ठेठ घर घर में पानी पहुंचाया, घर घर उन गरीबों की सेवा कर रहा है जो उसमें कैसे भी बिकती रहते हैं। उनको आज जाकर के बूझे कि भाई ना वाले भाई आग लगा तेरा प्रदान उदाना कर विधायक आ गए, मार तो मादी नहीं विधायक से बताओ वहां के लिए तो वही है क्यों जी भाई, वही है जब उसको कोई चुनाव से कोई लिंक नहीं है इनका चुनाव से। जितने राजनेता उनको दिमाग से बाहर निकालते हैं, मैंने बच्चा की जड़वा करी जाना डॉक्टर रोहतास बोले बोले मेरा बाप के करेगो चुनाव लड़ेगो कि मैं तो चुनाव कौन लड़ू, तो बोले यात्रा आदमी कम से कम 40-45 हजार आदमी कड़ियागा मुको यार या तो प्यार प्रेम से आगा मेरा बाप मैं तो चुनाव उनाव कौन लड़ू, बोले मारो पार्टी साफ कर दियो है मुको थारो कत्ता ही कौन हुए। इस प्रकार से भक्तों जैसा मेरा सिद्धांत है कि अपन को चुनाव को लड़ना, इसी प्रकार से मातदीन जी का भी सिद्धांत, आप ये मत सोचना कि चुनाव के लिए पैसा खर्च कर रहा है, गुआलाम के लेन देनो के नीम का थाना के लेन देनो खर्च करे तो अपना गांव कमाई करे, लेकिन इनका खुली है कि कहीं भी मेरे से मंदिर में पैसा लगवा लो तो मेरी कहवा को मतलब एक से आए मदन दास जी कहां से ना जना ये ज्यादा तो जांगड़ रे यादव बसी चेंगे और फिर किमी ची खुमार सा तो ये आवाना जना दो दी थोड़ो सो अरे पतो पड़े कि यक उनके बना दियो, तो एक अशोक सुंदर गेट बना दे बाबा मदन दास जी के डूंगरी के तले तो भाई बेड़ो पार हो जाए। ताली बजा करके सम्मान करें मातदीन जी पणियार की तरफ से 2025 का मेला में तुम आओगे तो गेट के द्वारा आओगे, जो मदन दास जी का गेट बनेगा आपके डूंगरी के नीचे फरवा में अक बनेड़ो चक्रु जी अरे यार क्या की छोटी मोटी बात करी, जोड़ा को आंगनों भी पड़ जाएगा। अठाओ सब ख्यान अम्माद ने सब ख्यान अठाओ तू तेरा करवा तो रीजिए और काम ठीक। माता दीन पणियार की तरफ से तेरी पूरी तहसील में घूम आ जाए, सो सुंदर मंदिर शंकर को बनाकर तैयार कर दे और बोल पूरो बाउंड्री तू तेरे लगवा तो लीजिए, झूठ नहीं झूठ राय माता नहीं, शंकर का मंदिर वो सुंदर मंदिर बनवाएगा ये मैं वादा से कहता हूँ। कारीगर तेरे जच्चे जिंदा को लिया ऑल राउंड कारीगर कहीं का भी लिया, मेरा कमेटी से निवेदन है और इतना नपना दे दो जिसके ऊपर शंकर भगवान का मंदिर के ऊपर बैठ करना 200 आदमी विश्राम कर सके, इतना लंबा चौड़ा मंदिर बनवा करके माता दीन जी पणिहार की तरफ से तैयार मिलेगा आपको। अरे ताली काहे कोन बाज रही, अरे उया अठा अभी देखा नहीं तुम बात दिन को अठा दूर अठा सब खाने मंदिर बनवा, मंदिर में लागत लागेगी और मिलाओगो और मंदिर में मंदिर शंकर का मंदिर के लिए खाली शंकर का मंदिर के लिए 11 लाख रुपए मातदीन पणियार की तरफ से 11 लाख रुपए मातदीन पणियार की तरफ से 11 लाख रुपए बोलिए शंकर भगवान की। अब मैं सुबत्ती और क्या चाहो बोल, हाँ तो बता दिया तूने बोल के चाहो तो बता खड़ो और आशीर्वाद दे दे गुरुजी, अजी गुरुजी आशीर्वाद दे दे, हाँ आशीर्वाद दे, ये बात हुई। ताली बजा करके सम्मान करेंगे माता दीन पणियार की तरफ से शंकर का शिवाला के लिए, लेकिन दूसरा को नाम नहीं होना चाहिए, रुपया लागे तो और मांग लीजिए क्यों जी, रुपया और लागे 50,000 तो और मांग लीजिए नहीं 11 लाख रुपया में तो वह मंदिर बनोगे जिन दुनिया देख बाटे क्यों जी। ताली बजा करके सम्मान करें, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए देव महाराज की, ये 11 लाख रुपए मातदीन पणियार की तरफ से 11 लाख रुपए दंडोड़ा धाम में
कदम का पेड़ का सारा लेकर के बाबा का मंदिर बनाएंगे शंकर भोला का, जो शंकर भगवान का ही अंश है। कौन? हनुमान जी। जब रामचंद्र भगवान ने विष्णु ने जार बोले तूने उतार लेनो पड़ोगो, उतार लूंगो पर तीन वन धन सात साल में पड़ोगो। बोले क्या क्या रूप में? सुनो, जब कहता है कि मेरे जामवंत तो ब्रह्मा जी तू बनेगो, और शंकर ने बोले हनुमान तू बनागो, तो उनका मंदिर की खातर तो भाग्यो भाग्यो होगो, और उनका तो धड़ा छंड बनाओगो। जो हनुमान जी है वो साक्षात भगवान शंकर है। भक्तो, साक्षात शंकर भगवान है, कोई छोटी विस्ती नहीं है। और उन्होंने वो उतार लेकर के राम का जीवन बिताने के लिए, राम की मन मान मर्यादा और रावण का वध करने के लिए शंकर भगवान स्वयं हनुमान का भेष लेकर के धरती लोक को उतरा। जिनको दियो ने अजर अमर है उसको कोई मार नहीं सकता। इसी प्रकार से देखो, उतार दीजिए भाई। बात और बता दूं, ये आदमी रहता है बिजी, ठीक है ना? शंकर का शिवाला की खातर के नाम से थारो सुरेश जी से और हमारे बैद जी से और हमारे वो कड़ गए एक वहां बैठो प्रभु और एक दीनाराम जी, एक के नाम से तेरो दंदो छोड़ना पड़े ना चीजा और एक वहां बैठो दो खुमार एक गुजर, दो खुमार एक गुजर तीन यादव, ठीक है? हाँ, अरे क्या जो चार होगा, चार यादव दो खुमार, दो की बजाय तीन ले लो। ये सात आदमी कमेटी बना करके शंकर भगवान का मंदिर को निर्माण जल्दी से जल्दी करवाना से था, सुबह चालू कर दो चाहे सुबह चालू कर दो। बोले शंकर भगवान की। जो यहाँ पर मदनदाजी से पहले गुपत संत रहा करता था, रमता राम महाराज, रमता राम महाराज का ये आदेश है कि आज जैसा इनका मन है और जैसा मैं स्वयं साक्षात माता दीन, तो इनका नाम है लेकिन मैं इसे निवास कर चुका हूं, माता दीन इनका नाम है लेकिन मैं हनुमान जी महाराज इसमें निवास कर चुका है। भक्त, प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, अगर तुम जैसे आज सारी खोरी गांव का जिंदा तई का आदमी बैठा जो जय तन सिंह मन सिंह बाबा को मूर्त खड़ा मात दीन जी का नाम सिर मूर्त ने सही सलामत रख दोगा, तो ये बाबा रमता राम का आदेश है कि छठ बार महीना 24 घंटा भगवान तुम्हारी आवाज को सुनेगा, इस पर्वत से पानी ये धामड़ा धाम प्रसिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में जो रामकर्ण जी जाजोदिया साहब उनके भाई देवकर्ण जी बैठे हैं, ये भी छोटे दानदाता नहीं है, ये भी बहुत बड़े दानवीर हैं। परमात्मा इनको भी दिन दुगनी रात चौगुनी दे रखा है और वो काम करते हैं जैसे मादिन जी कर रहा है, इसी प्रकार से ये भी अपनी जगह और अपना बूता से बस्सी जो ज्ञान के अंदर 11 बच्चों की 11 बच्चियों की शादी की है उन्होंने, जिसमें एक एक लाख रुपए गरीब आदमियों को योगदान दिया है। और बाबा जैसे अपना ग्रहा देसी की कुबंडारों को ना ग्रहा भाई अपना छोरा सारे को ब्याह हुआ है जी के माए करा, इस प्रकार से शंकर भगवान का ये भी परम भगत है। ग्राम विजयपुरा के अंदर इनकी तब से 5 साल तक लगातार भंडारा चला, फिर वो गांव ही खबर खत कर दियो जी की, तो ये भी कह रहे 5 साल तक पलटुआ भोजन और आदमी खड़ा कर दिया, एक एक आदमी के लिए एक एक आदमी परोसगारी सब कुछ, जैसे घर में कार्य करते इसी प्रकार से ये भी दानवीर हैं, तो दोनों का ताली बजा करके सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में तो 1 रुपया दिया, लाख रुपया दिया, सबका मान सम्मान है। मादिन जी का ये कहना है और हमारे रामकर्ण जाजोदिया का ये कहना है कि मासी जी हम सब हैं, इनसे बड़े हैं हम, इनसे छोटे ये हम सब यहाँ से छोटा सर, ये मारा से बड़ा से, जभी तो मैं का बीच के माए नहीं दान कर रहे था, अगर यहाँ को आशीर्वाद नहीं हुए तो मारी भी मत के से मैं दान, तो तुम सब बड़े हो ऐसा मत कोई सोचना कि यार अपना 100, 200, 500 को क्यों होगो, थे भी देवियों की मिली आई तो दीजिए मदन दास जी के पगा मार पर जाए बाप बाप मेरे सासू का लड़ाई हुए सर रोजीना है ले आई जोगे कि 150 रुपया भाई मदन दास जी का काल ले जाए ये कह
ये महीने देरी जाए कहीं नहीं तू लिया चलो कोई बात ये तो नाच वाली दे दी थे आया करते बोले माँ सेंगर नाचाओ कि तुम्हें तो इनकी खातर ले आई जा मदन दास जी का तो खजू है भंडारा बड़ी अच्छी मार करने की कभी कमियां हो चुकी जी और ये हाँ जी और ये 101 रुपए मोहन जी की तरफ से भेंट होते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और ये 500 रुपए रामजी लाल यादव साहब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और ये हरी राम जी सूदा कर दूंगे सूदा क्या करे तो पोल नहीं खड़ेगी तू ही बता देना रमता राम साधु भी चल रहे थे तो भाई अब तो गांव की साथ तो चालन भी पड़े ये हरी राम जी जिनकी तब से भक्तों ताली बजा करके सम्मान करेंगे ₹6100 भाई हरी राम जी मेरा से तो देख एक घर में बैठा करना मात दिन जी में थाली में रोटी अलग अलग हैं परोसू बता ये ₹6100 हरी राम जी की तरफ से ₹500 पार्टी को अरे ताली तो बजा दो ताली बजा करके सम्मान जी की तरफ से ₹500 पार्टी को ₹6100 मंदिर में और ₹1100 सुरेश जी डेलीगेट खोरी निवासी बहुत बहुत धन्यवाद और ₹500 रमेश जी हंसराज जी रेंजर बहुत बहुत धन्यवाद जिनकी तरफ से भी ₹500 ये लो हाँ आगे का नाच वाली